आपको मुझ तो नहीं आई दादाजी। राजू ये बंदर इस होटल के अंदर, राजू पीछे साले, अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन किया ना तो इतने डंडे पड़ेंगे कि दिमाग सेंटर में आएगा। बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अंकल जी ने प्रीति जी को विदेशी परिधान में देख लिया है और पहचान गए। क्या जरूरत थी प्रीति को ये विदेशी परिधान पहनकर बाहर जाने की? ये प्रीति बिना अगर अंकल अरे अंकल आप आ गए? हाँ मैं आ गया जी। वेरी गुड। प्रीति कहाँ है? प्रीति अपने कमरे में। तो उसे बुला बेटा। अच्छा सोच क्या रहे हो बेटा, बुला उसे। प्रीति यहाँ पे क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे यही तो है। कहाँ? प्रीति भाभी तो अपने कमरे में है। हाँ आरती बेटा प्रीति को बुलाओ उसके कमरे से। लेकिन अंकल। आरती बेटा बहस मत करो, प्रीति को उसके कमरे से बुलाओ। ओके। क्या हुआ क्या अंकल? प्रीति को आ जाने दो बेटा, फिर करते हैं बात। अच्छा अच्छा इस तरह से झांक क्यों रही है? वो एक्चुअली आरती मैं नहा रही थी ना। ओके ओके क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ अंकल आपको बुला रहे हैं। ठीक है मैं दो मिनट में चेंज करके आती हूँ। हाँ ओके 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 मैं बाहर वेट करती हूँ। हाँ अभी तक प्रीति नहीं आई, इसका मतलब ये हुआ कि वो होटल में है ही नहीं। कौन है ये पर्दा? पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है। रेडी? हाँ आई। मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। इतनी कड़क धूप सा। अंकल जी से कहिए आती भाभी प्रीति भाभी को लेकर अभी आती ही होंगी। अंकल प्रीति भाभी देखिए। प्रीति तुम कहाँ थी? मैं बाथरूम में। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने और उषा ने तुम्हें स्कूटर पे देखा था। मैंने कब देखा? अरे क्या कर रही हो तुमने? देखा देखा। प्रीति तुम वेस्टर्न कपड़ों में थी और कोंकणी में बात कर रही थी। अंकल ये कैसे हो सकता है? आज तो मैं पूरा दिन कमरे में थी, बाहर निकली ही नहीं। अच्छा तुम बाहर नहीं गई हो? तुम बाहर नहीं गई हो तो फिर ये क्या?
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही का मतलब है? क्या है कि प्रीति भाभी भी ऐसी दिखती अगर वो भी विदेशी कपड़े पहनती। जी बिल्कुल। अरे हाँ, मतलब तुम लोग ये कहना चाहते हो कि प्रीति की कोई डुप्लीकेट है? हाँ डुप्लीकेट बिल्कुल। हाँ आई डोंट बिलीव इट। अरे अंकल आई डोंट बिलीव दिस। कमली जी I'm absolutely sure कि वो प्रीति ही थी। अंकल ऐसे कैसे हो सकता है? आपने खुद देखा ना, प्रीति भाभी को मैं आपके सामने उनके रूम से ले आई। बेटा हो सकता है प्रीति को वापस होटल आने के लिए टाइम मिल गया हो। लेकिन धीरू वो होटल क्यों जाएगी, वो सीधा घर नहीं आ सकती। अंकल रिलैक्स रिलैक्स। आंटी हम गोवा में है, गोवा के होटल में। ओ गोवा। और प्रीति भाभी याद आ गया, अब याद आ गया, सॉरी। अंकल हो सकता है वो लड़की प्रीति भाभी की डुप्लीकेट हो। नहीं बेटा एक ही शक्ल के दो लोग नहीं हो सकते। आई जस्ट कांट बिलीव इट। तो क्या सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं बेटा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। धीरू आप छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना रहे हैं। अरे हम गोवा में आए हैं, चलिए ना घूमने जाते हैं। आपको अपने दोस्त से नहीं मिलना? जब तक इस बात की तय तक नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अंकल लेकिन लेकिन कुछ नहीं बेटा, सौ बात की एक बात। अगर वो लड़की वाकई में प्रीति की डुप्लीकेट है तो वो गोवा में हमें दोबारा दिखनी चाहिए। अपूर्व सो सॉरी, मेरी वजह से तुम सबका गोवा घूमने का मजा किरकिरा हो गया ना। इसमें तुम्हारी क्या गलती बताओ, फिर तुमने सिचुएशन संभालने की कोशिश भी की थी। तुम्हें थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन भाई लाभ अब अंकल को तो शक हो गया है ने, और आरती भाभी तो बता रही थी कि अंकल कोई भी हालत में मानने को तैयार ही नहीं है। क्या प्रीति की कोई हमशक्ल हो सकती है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें। बात मान जाएंगे है ना, सॉलिड आइडिया। क्या हो साहब? नारियल कोकोनट कोकोनट नहीं साहब, ऐसा क्या करता है? हम पिंटो नारियल वाला, इस होटल में जितना भी टूरिस्ट कस्टमर आता ना हम उनको नारियल पानी पिलाता। साहब हाँ तुका सांगता, एक बार नारियल पानी पिएगा ना तुम्हारा दिमाग एकदम कूल ठंडा हो जाएगा, हार्ट एकदम प्योर फ्रेश हो जाएगा। एक बार असुर गाय करता एकदम एकदम। अरे नहीं चाहिए बोला ना। क्या साहब तू गोवा फिरा की लेना? फिल्म शूट करने है। शूटिंग? साहब तू शूटिंग करने आया? साहब आओ आओ, शूटिंग पण काम करता आओ, असा काम करता ना सगळ्यांची छुट्टी करता। अच्छा अच्छा काम करता। हा तुका दाखवत तू पण एक मिनिट कोकोनट प्लीज। थँक यू धर्मेंद्र, फिल्म सोले धर्मेंद्र। ये मासी मेरी शादी नहीं होने देती, अगर ये शादी नहीं होने देती तो आई एम कुदिंग मासी जेल देन पीसिंग। खुश ना यार? तब खुश ना, खुश ना। हाँ तो कहता शाहरुख, शाहरुख दिखा था। किरण मैं तो कम वॉक करता, मैं तुमसे प्यार करता। किरण बस 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 एक मिनट एक मिनट। क्या बात है यार, फैंटास्टिक यार, क्या कमाल का एक्टर है तू। मेरी फिल्म में काम करेगा? हाँ करता। घर में फिल्म बन रही है
और घर की सबसे बड़ी और खतरनाक एक्ट्रेस को पूछा भी नहीं जा रहा है। अपूर्वा, तू मेरे बगैर तो फिल्म नहीं बना सकता है। हाँ सॉरी माँ, अंकल को यकीन दिलाने के लिए मुझे ये फिल्म तो बनानी ही पड़ेगी। कल अंकल और आंटी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। जैसे ही वो निकलेंगे मैं प्रीति को इशारा करूं। झूठ मत बोलो। हमें अंकल को यकीन दिलाना होगा कि उन्हें जो दिखी थी वो प्रीति नहीं, प्रीति की डुप्लीकेट थी। हा? अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो। प्लान? अरे हम तो फिल्म बना रहे हैं, उसकी स्टोरी सुनाओ। हाँ फिल्म, अब फिल्म की स्टोरी जो है वो ध्यान से सुनो। कल अंकल और आंटी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। जैसे ही वो निकलेंगे मैं प्रीति को इशारा करूंगा कि वो अंकल और आंटी के पीछे जाए वेस्टर्न आउटफिट पहनकर। एक मिनट, उसको फिर से इन्वॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से कम प्रॉब्लम खड़ी हुई है। वो सिर्फ एक ही सीन के लिए माँ। ओके हाँ? इस तरफ आरती को कोई बहाना बनाकर मैं यहाँ से निकल लूँ। आरती को बातों में उलझा कर रखने की जिम्मेदारी होगी माँ की। परेश हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है या नहीं ये देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अंकल और आंटी जब जा रहे होंगे तब प्रीति उनके सामने से गुजरेगी। अपूर्व भैया, यदि ऐसा हुआ तो अंकल जी प्रीति जी का पीछा अवश्य करेंगे। अरे यही तो मैं चाहता हूँ कि वो पीछा करें। यहाँ पर शुरू होता है हमारी फिल्म का दूसरा सीन। ध्यान से सुनो, ये नारियल पानी वाला पिंटो बनेगा प्रीति का पति। प्रीति उससे कंप्लेन करेगी कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है, मतलब अंकल उसका पीछा कर रहे हैं। अब ये जो हमारा एक्टर है वो अपने रटे हुए डायलॉग बोलेगा और अंकल को मतलब उस आदमी को धमकाएगा। अपूर्वा प्लीज ये धमकाने वाला सीन मुझे देना। तो चुप बैठ गया। कहाँ था मैं? इसका तो उषा जी हो गया। तो पिंटो से डांट खाने के बाद अंकल थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें शायद ऐसा डाउट आएगा कि ये प्रीति ना हो। तो अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए वो यहाँ होटल में आरती को फोन लगाएंगे और पूछेंगे कि क्या प्रीति वहां पर है। अपूर्व जी के प्लान सा, इन्हें बताइए कि आरती भाभी तो अंकल को बता देंगी ना कि प्रीति भाभी यहाँ नहीं है। नहीं बताएगी है? क्योंकि प्रीति की साड़ी पहनकर तुम बैठो, अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाओगी। तो आरती को लगेगा कि प्रीति भाभी तो होटल में ही है। यही बात आरती अंकल को बता देगी और अंकल को आरती पर विश्वास हो जाएगा। मस्त रोल मिला है तुझे फेस न दिखाने का। ये है हमारे इस फिल्म की कहानी। किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे है। क्या? मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। अरे माँ, आरती को बातों में उलझा कर रखना है आपको। अगर आप ये काम नहीं करेंगी तो आरती अंकल को जाकर सब बता देगी ना। अरे हाँ, इसमें तो मेरा मेन रोल है फिर। हाँ ओके ओके, ऑल राइट, ऑल एक्टर्स रेडी? रेडी, एक्शन। धीरू, वो लड़की प्रीति जैसी थी ना? प्रीति जैसी थी नहीं, प्रीति ही है। क्या? अरे चलो होगी, चलो होगी, चलो चलो चलो, चलो।